sexual harassment at the workplace. So at the workplace, it's not only the workplace. Actually, workplace को इसलिए government ने इतना कहा गया है क्योंकि जब एक lady घर से बाहर निकलती है तो वो बहुत सारी चीजें लेकर निकलती है, अपने अपना reputation, अपना अपना सारा, मतलब एक एक अपनी जिंदगी जो होती है उसकी दोहरी जिंदगी वो जीना स्टार्ट करते हैं. तो बस वही चीज है कि वर्क प्लेस पे जब हम जाते हैं एंड इफ वी आर नॉट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और दैट काइंड ऑफ लव ऑल्सो देन वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस आवर बेस्ट थिंग. बिकॉज हम वर्क प्लेस पे किस लिए आए हैं, व्हाई वी ऑल आर हियर, इट्स नॉट एनी कॉम्पिटिशन बिकॉज एवरी वन इज एक्चुअली डिफरेंट. डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन अ कॉम्प्लीमेंट एंड हरासमेंट. डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन अ कॉम्प्लीमेंट एंड हरासमेंट. Because when you get a compliment, oh, you are looking very nice, it gives us a boost. हमें अच्छा लगता है अपने कुलीग से एक बहुत प्यारा सा compliment मिलता है और हम अब खुश होते हैं हमारी working और हम जाकर काम करते हैं. लेकिन अगर वही compliment हमें एक unwelcome तरीके से मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि this is not a compliment, this is a psychiatric, मतलब एक किसी तरीके दूसरे तरीके से जब वो बोला जाता है तो हमें समझ आता है this is not a compliment, this is something else. Come to the next slide. Breaking down the definition conduct. Here conduct synonym is a behavior. कई बार हम लोगों को माफ कर देते हैं ये कहकर ओह इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, ओह ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डबल मीनिंग, ये तो ऐसे ही बोलता है, ये तो ऐसे ही करता है. दैट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर जिसको हम बोल देते हैं कि ओके ऐसे ही है ये, तो इसका बोलने का ये ढंग नहीं है, इसका बोलने का तरीका नहीं. मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, दैट आई वर्क इन अ वेरी different places, different cities. India के बहुत cities में मैंने काम किया and this is the first place जहाँ पे ये harassment जो है not a single male यहाँ पे जितने काम कर रहे हैं मैं एक की भी बोल नहीं सकती यहाँ पे कोई भी ऐसा है. So it's because Sri Krishna University, because I'm working here, that's why I can proudly say कि हमारे जितने male members हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं. मतलब I personally said this thing. Thank you so much for supporting us on that way. बिकॉज अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम यहाँ तक नहीं आते. एंड आई थिंक एवरी वन इज अग्री विद दैट. सो दैट सिंपल थिंग इज दैट अगर हम नॉर्मली बात करें, बाहर की बात करें, तो कंडक्ट हम बिहेवियर पे छोड़ देते हैं. हम कहते हैं कि अरे इसका तो बोलना ऐसे, अरे ये तो है ही ऐसे. किस लिए? इफ यू आर लाइक दैट प्लीज चेंज योर सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच यू आर टॉकिंग टू मी. मेरे को नहीं करना वेलकम जो अगर मुझे अनवेलकम लग रहा है. आपका बिहेवियर आपका होगा but you have to change because this is unwelcome by me. We need to speak about it because agar hum nahi bolenge to us insaan ki jo himmat hai wo badhti jayegi. Now come to the very important third part and that is, do you really think so it's only done by the opposite gender? So let me clear this thing. No, it's not. Sometimes the harassment is done by the same gender people. Now come to the next slide. Types of harassment. What actually we should understand, which kind of types of harassment we can include in this. Comments about clothing. What you are actually wearing, जो आप पहन रहे हैं अगर उसके ऊपर कोई कमेंट करता है, that also include in sexual harassment. If someone is talking about your personal behavior, if someone is talking about your sexuality, in a very different way, it can be anyone, it can be him or her, it can be anyone. अगर कोई भी हमारी personal sexuality पे कोई comment करता है तो वो चीज भी sexual harassment में आती है, whether it's a male or a female. Then the next one is telling rumors about you. Telling rumors about you. एक छोटी सी story मैं आपको इसमें बताती हूँ कि एक बार एक आदमी होता है, लड़का होता है, बड़ा cool होता है, वो किसी society में रहता है और वो गिटार वगैरह बजाता और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा होता है. वहां पर ही एक बुजुर्ग होते हैं जिसने उस उम्र में 25-26 साल की उम्र में बहुत काम किया होता है. तो कहीं ना कहीं वो उससे नाराज हो जाते हैं कि यार ये ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है. तो ही स्टार्टेड मेकिंग अ र्यूमर कि ही इज अ ड्रगिस्ट. आपको पता है र्यूमर जब उठते हैं ना तो कोई इसमें नहीं जाता कि ये सच है कि झूठ है. एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, बगैर किसी बात का पता होते हुए रूमर्स उड़ते उड़ते उस इंसान की पूरी रेपुटेशन खत्म कर देता है. जब उस लड़के को पता चलता है वो उस आदमी को लेकर कोर्ट में जाता है और कोर्ट को बोलता है कि ही हैज एक्चुअली लाइक ही पुट मी डाउन, मतलब पूरा इसने मेरा रेपुटेशन को खत्म कर दिया. देन द ओल्ड मैन सेड ओह आई हैव सेड दिस लाइक दिस ओनली.
देन जो आदमी था जो जज था उसने सिर्फ एक चीज बोला ओके डू वन थिंग जस्ट राइट डाउन आई एम सॉरी इन 100 पेजेस एंड कीप इट इन द कीप इट एट द बस स्टॉप एंड नेक्स्ट डे प्लीज कलेक्ट ऑल दोस थिंग्स. उसने कहा ठीक है ये तो बहुत आराम की वो है कोई ऐसी सजा है नहीं. उसने लिखा आई एम सॉरी 100 पेजेस को उसने बस स्टॉप पे रखा. जब नेक्स्ट डे लेने गया तो वहां पे सिर्फ 4 या 5 थे बाकी सब उड़ चुके थे. द सेम थिंग हैपेंड विथ रूमर्स ऑल्सो. When we actually hear something, हम कभी भी ये नहीं सोचते अगर किसी ने बोला कि वो ड्रगिस्ट है या वो तो ड्रिंक करती है या वो ऐसा है वो ऐसी है. एक सेकेंड लगता है हमारे को उस चीज को बिलीव करने में. हम एक मिनट सोचते भी नहीं है इस पर्टिकुलर एक चीज से उस इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है. दिस इज ऑल्सो कम इन सेक्शुअल हरासमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन नॉन वर्बल. Those who are in my class, they are aware of that thing. Non-verbal. When we are looking at someone up to down on that facial expression, agar hum kisi ko, whether it's a male or whether it's a female, if you are looking at someone, if being a female, if I'm also looking at any male in a very disgusting way, that what he is wearing, that also comes in sexual harassment. It's not only about the touching or stopping someone. It's actually about everything. Now, first of all, we have to understand that हमें पता कैसे चलेगा कि ये हो भी रहा है हमारे साथ कि नहीं हो रहा. बिकॉज वही सेम चीज है ना उसका तो बिहेवियर ऐसे हम करके आगे निकल जाते हैं अरे ये तो है ही ऐसी अरे ये तो है ही ऐसे तो ऐसे ही करते ऐसे ही करते. तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में ये हमारे साथ हो रहा है या हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी भी चाहिए. सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट है ये कितनी बार हमारे साथ हुआ है. क्या ये रिपीटेशन में चल रहा है. Is that person is looking at me every day on that disgusting way? And how long? मतलब ये कब से चल कब से रहा है? क्या मैंने notice नहीं किया? और अगर मैंने notice किया, तो why I'm not actually understand that thing? And then, am I the only one who is sexually harassed by that person? Or is there any other persons also? Or is this a habit is going on? And then the last one. कौन कौन इस चीज के विटनेसेस हैं. ऑल्दो मैं आपको बताऊं जब भी कोई इस बार में आवाज उठाता है ना तो सपोर्ट करने के लिए कोई साथ नहीं होता. तो लेकिन आवाज अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप भी तो उस भीड़ का हिस्सा ही बनेंगे. नाउ वर्क प्लेस पे इफ अ पर्सन इज गोइंग टू इंटरफेयर इन योर वर्क अगेन एंड अगेन. If he wants or she, I'm not considering he को मैं नहीं ऐसे करूँगी. He or she, if they are interfering your work again and again, if they are actually putting you down, अगर वो आपको बार बार आपके काम में इंटरफेयर करके आपको तंग करें, that is also an act of sexual harassment. Because इससे सिर्फ हो क्या रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आपको खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है. Am I seriously so down? Or am I not able to complete or anything? So, वो क्या कर रहे हैं? They are actually playing with your mind. So that is also comes in this. And just because of that, your performance actually suffers, and you actually put जो आप productive work कर सकते हैं, आप वो नहीं कर पाते because you are going to have that mental pressure on you. Okay, now ये pressure जो हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारे अंदर से जो एक हम जब हम काम के लिए आते हैं, जब हम घर से बाहर घर से निकलते हैं काम के लिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होती है? That I'm going to prove myself, मैं अच्छे से काम करके आऊंगी और अच्छे से अपने घर जाऊंगी और अच्छे से रहूंगी. यही रहता है ना. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, इफ दीज इंसिडेंट आर एक्चुअली गोइंग ऑन हर रोज चलती रहती है, तो ना तो हम अपने वर्क प्लेस पे परफेक्टली काम कर सकते हैं, ना हम अपने घर जाके काम कर पाते हैं, और ना ही हम वो प्रोडक्टिव वर्क दे पाते हैं जिसके लिए हम अपने घर से निकले. तो अल्टीमेटली एक या दो इंसान की वजह से हम अपना सब कुछ खो रहे हैं जो हम देना चाह रहे हैं. Isn't it? Because जब हम मेंटली किसी के प्रेशर में आते हैं तो वी आर नॉट एबल टू गिव आर 100%. नाउ ये हमने बात की जिसमें किसी ने हमें टच नहीं किया बगैर कुछ बोले हुए, बगैर कुछ कहे हुए, बगैर लाइक कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जिसको हम बोल सके. अब कुछ हुआ ही नहीं तो बोलेंगे क्या? मतलब उसने मुझे ऐसे देखा, अरे इसका कोई प्रूफ थोड़ी है, वो मुझे देख रहा है, कोई प्रूफ नहीं है ना. तो ये सब चीजें तो, लेकिन अब हम बात करते हैं उन चीजों की जिनकी मतलब जिनको हम एक्चुअल में सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं. लाइक इफ समवन इज गोइंग टू पैट यू,
जब हम किसी को पैच करते हैं, जब हम किसी के किसी को अच्छा करते हैं कि वेरी गुड, तो अगर कोई पैच करते हुए स्क्रैच करे, हमें टच से पता चल जाता है ना वेदर वी आर फीमेल और मेल. हमें टच से नहीं पता चल जाता दैट वेदर दिस टच इज गुड टच और बैड टच. वी ऑल आर क्वाइट मेच्योर पर्सन. We all are aware of that thing. If someone is blocking you, if you are going somewhere and someone is blocking you, don't go. That is also comes in sexual harassment. That this person is actually stopping my things. That is also comes in that. Unwanted jokes. If those jokes are not mean to you, अगर वो अनवांटेड जोक्स आप पे कर रहे हैं, डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे उनकी बॉडी लैंग्वेज के जेस्टर्स हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स ऑल्सो, इफ यू फील ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये आप तब तक वेट मत करिए कि आपके वर्क प्लेस पे जब आप जाएंगे तब आप जाके कंप्लेन करेंगे. इफ यू आर एक्चुअली फेसिंग दिस थिंग, एंड इफ एनी मेल बॉय ऑल्सो फेसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यस दिस इज नॉट फेयर, आई हैव टू स्टॉप इट. रिपीट रिक्वेस्ट फॉर डेट्स. इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू फॉर डेट्स और रिपीट इट, अगर आपने ना कर दिया उसके बावजूद भी, इफ अ पर्सन इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, इफ ही इज फॉलोइंग यू, दैट आल्सो कम्स इन सेक्सुअल हरासमेंट. नाउ आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है दैट इज ईमेल, चैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेजेस. इफ समवन इज एक्चुअली सेंडिंग यू दोज मैसेजेस, समवन इज फोर्सिंग यू टू टॉक टू यू, दैट इज आल्सो कम्स इन सेक्सुअल हरासमेंट. एंड if someone is sending you some kind of posters or pictures which is actually sexually, जिसमें आपको जो आप देखते ही जिसमें आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे मेम्स जो आपको नहीं अच्छे लग रहे किसी इंसान के भेजे हुए, चाहे वो आपका क्लासमेट हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी एक्ट में आते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? Now what actually happened? Why a victim? क्यों नहीं वो आगे आता? What's the reason behind that? हम सबको पता है उसके reason क्या होते हैं. Because we don't want this kind of limelight. We actually need limelight, but not in this way. हमें ये limelight नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार किसी पे उठाया तो कहीं ना कहीं उल्टा हम पे ना आ जाए. ये सबसे पहले हमारी बात होती है. हम embarrassed feel करते हैं, हम we blame ourselves only that we are the one just because of us. This thing happened to me. वो किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ? तो मे भी कोई प्रॉब्लम मेरे में ही होगी ना. तो सब तो ठीक है, मैं ही अकेले इस बारे में बोल रही हूँ, तो मे भी मैं सबसे अलग हूँ या मैं गलत हूँ. तो हम अपने आप को ब्लेम करना सबसे पहले शुरू कर देते हैं. एंड आई थिंक जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा वो इस चीज से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि वी स्टार्टेड ब्लेमिंग आवरसेल्फ. दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम. सिंपल सी बात है, उनको सिस्टम पे, सिस्टम बोले तो जिसको बताने जा रहे हैं उस बंदे में ही ट्रस्ट नहीं है कि मे बी ही इज नॉट गोइंग टू लिसन मी और शी इज नॉट गोइंग टू लिसन मी. एंड देन दे आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ द हरासर ऑल्सो. जो हरासमेंट कर रहा है उससे भी तो उन्हें डर लगता है कि भाई अगर हम इसकी कंप्लेन करेंगे तो वो क्या रिएक्ट करेगा या क्या रिएक्शन उसका होगा. इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कौन कौन सा टाइप है, मेंटली कितना होता है. नाउ what actually the effects of sexual harassment of a person who actually harassed by a person. सबसे पहले होता है anxiety उसकी शुरू हो जाती है, because they started overthinking, they are not able to calm down themselves, they just started anxiety आ गई, उसके साथ ही साथ आपका fear, anger, confusion, depression, these kind of things. Why? Because we are not able to open up. जब हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है तो हमारे अंदर ये चीजें बढ़ती जाती है और एक ऐसा दिन आता है कि हम बिल्कुल ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भरती जा रही है रोज के रोज, वो कुछ ना कुछ भर रहा है जो हम नहीं चाहते हैं. एंड फिजिकल क्या होते हैं, आपको एक चीज जरूर पता होगी कि हम कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज, अभी हमने क्रिकेट खेला है, हम लोग थके नहीं. क्यों? क्योंकि वी वर हैप्पी ओवर देयर. लेकिन जैसे ही हम मेंटली थकते हैं, हम सबसे पहले हमारा फिजिकल थक जाता है. वी डोंट वॉन्ट टू स्टैंड अप, हम उठना ही नहीं चाहते हैं, वी जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन. हम बिल्कुल अपने आप को थका देते हैं. तो मेंटल से कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल जुड़ा होता है. तो ये हरासमेंट सिर्फ हमारे को मेंटली ही नहीं, फिजिकली सब तरीके से हमें नीचे कर देता है. सोशल हम क्या होते हैं? बिकॉज व्हेन समवन हरासिंग अस एंड आई एम नॉट ओपन अप, आई एम नॉट एबल टू स्पीक अप, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम द क्राउड.
आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीवन बिकॉज मेरे को डर लगता है कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, मुझे डर लगता है कहीं किसी ने प्यार से कंधे पे हाथ रखा तो आंसू ना निकल जाए। तो ये सारी चीजें हमें आइसोलेट कर देती हैं, हम अलग हो जाते हैं सोसाइटी से, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लॉस ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जिनके साथ हम हंसते बोलते थे हम उनसे बात करना भी बंद कर देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमने कुछ कहा और किसी बात का क्या से क्या मतलब निकल जाएगा। एंड देन वी आर एक्चुअली एग्रेसिव। जब हम सब चीजें अच्छी चल रही होती है तो हम बहुत प्यार से रहते हैं ना, लेकिन जब हमारे अंदर गुस्सा कब आता है, जब हमारे अंदर कुछ अलग चल रहा होता है। अदरवाइज वी ऑल आर सो काम डाउन, इजंट इट? बट व्हेन समथिंग इज गोइंग ऑन इन माय माइंड देन द एग्रेसिव बिहेवियर इज देयर एंड डैमेज रेपुटेशन, बिकॉज वी ऑलवेज अफ्रेड ऑफ आर डैमेज रेपुटेशन। अगर हम एग्रेसिव रहेंगे तो हमारा रेपुटेशन तो धीरे धीरे डैमेज होता ही जाएगा ना, और उस इंसान का तो काम पूरा हो गया क्योंकि वो तो यही चाह रहा है कि आपका मेंटल पीस लेकर वो आपको आपकी रेपुटेशन डैमेज कर दे, उसका काम हो गया लेकिन नुकसान हमारा हुआ है। एंड देन एजुकेशनल और फ्यूचर में क्या होता है, वी स्टार्टेड, हम पढ़ कब पाते हैं, जब हम पीसफुली रहते हैं। बट इफ देयर इज वन ओवर थिंकिंग इन आर माइंड, इफ देयर इज एंग्जाइटी इन आर माइंड, वी आर नॉट एबल टू कंसेंट्रेट ऑन आर स्टडीज, इजंट इट? सो वी आर एक्चुअली एजुकेशनली ऑल्सो वी आर एक्चुअली पुटिंग, हमारे ग्रेड्स जो है बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। एंड देन वाई वी आर सो अफ्रेड, वी आर सो अफ्रेड दैट मे बी दैट बैड रेपुटेशन जो है, अगर मेरे बारे में किसी ने बोलना शुरू कर दिया, बैड रेपुटेशन हो गई तो वो बिल्कुल ही एक सुई की तरह या एक बार विसल की तरह उड़ जाएगी। यही होता है, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम बोलते भी नहीं है और हम अपने ही अंदर उसे रखते हैं कि कोई बात नहीं, समय निकल जाएगा। Now this particular time, government also and everyone, I'm not talking about other university or other places, but I'm talking about this particular place that we are with you. So let the harasser tell ki it's time to stop, that we are not going to listen you, we are not going to accept anything. हमने कुछ भी नहीं सुनना जो आप बोल रहे हैं और हमने कोई भी आपकी ऐसी चीज अनकंडीशनल किसी भी मांग को नहीं करना। वी आर नॉट गोइंग टू लूज आवर मेंटल स्टेट आल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस, हम नहीं करेंगे। हमने जो अब तक आपने कर लिया कर लिया, अब हमने इसको आगे नहीं करना। तो स्टॉप राइट नाउ। हाउ वी कैन एक्चुअली स्टॉप दैट, वी नीड टू फाइंड अ बॉडी, we need to find a buddy system to stay in a group, because harasser always harass you when you are alone. uski himmat aapke group ke sath nahi hogi, when you are actually being with your group, if you are always with someone ki koi hai mere sath to wo harasser aapko harass nahi kar payega. to start sitting with your group, buddy group ke sath aap baithiye. and one more thing, if he is actually sending you any kind of email, insta, these kind of things, because these are the data which you can actually prove your point. if he is sending you something, aapne bola ki maine to delete kar diya, aapke paas koi proof nahi rahega. to if something is there, please keep it with you, because wo kahin na kahin aapke hi data mein kaam aayega. and then kisi ek dost pe to aapko yakeen hoga, उस दोस्त को कन्फाइंड करके उस दोस्त को बताइए कि तुमने ये देखा था, सो प्लीज सपोर्ट मी। एंड वन मोर थिंग, आई रियली वांट टू से वन थिंग, ये बहुत छोटी बचपन में कहानी सुनी थी कि जब हम ये बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा, ये तो किसी और के साथ हो रहा है, मैं क्यों बीच में आऊं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम अपना हाथ खींचते हैं ना किसी दूसरे की मदद करने के लिए, तो जब हमें मदद चाहिए होती है ना तो कोई हाथ नहीं आता। तो अगर एक के साथ हो रहा है ना, दूसरे के साथ वो आज नहीं तो कल होगा। सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर कोई आपको कभी ऐसी कुछ बात बताता है तो। एंड देन यू हैव सो मेनी सुपरवाइजर्स, यू हैव सो मेनी टीचर्स आल्सो, प्रिंसिपल्स आल्सो, एंड इफ द हरासर इज इन एन अथॉरिटी पर्सन, जिसके बारे में आपको लगता है कि नहीं इनको तो बता ही नहीं सकते, तो सीधा आप अपने कॉलेज के डीन के पास जाइए, अथॉरिटी के पास जाइए, अब सीधा उनके पास जाइए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। और ये हमेशा की है, सुनी जाती है बात, लेकिन हमें बोलने की हिम्मत तो होनी चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट इज नेवर प्रीटी, वो कभी भी प्रीटी नहीं होता, कभी भी प्यारा नहीं होता, और कभी भी वो हमारे को अच्छा नहीं लगता है।
So stop it before it gets ugly, because it will ugly if we are not able to stop it on that particular time. Thank you so much.